नागपुर में प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को नए सिरे से शुरू करने की अनुमति दी गई है। नागपुर के महापौर दया शंकर तिवारी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन को अनुमति देते हुए कहा कि वे महानगर पालिका स्कूलों में पढ़ रहे गरीब छात्रों को भी उच्च शिक्षा की तालीम देने के लिए उन्हें भी पढ़ाए। उन्होंने 75 गरीब छात्रों को अडॉप्ट करने की सलाह कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन को दी, जो वो मान गए हैं। अब 75 गरीब छात्र इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और डिफेंस में भी बड़े अधिकारी बन सकते हैं। मैंने 75 हॉस्पिटल की योजना बनाई, तो ब्रिगेडियर है, यहाँ हैदराबाद में पोस्टिंग है। मेरे उससे फोन पर बात हुई तो उसने कहा, सेना के लिए कर रहे हो तो विद्यार्थियों के लिए सुपर 75 क्यों नहीं बनाते? अगर आनंद कुमार सुपर 30 बना सकता है तो दयाशंकर सुपर 75 क्यों नहीं बना सकता? मैं तो चुनौती स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूँ और बड़ा आनंद आता है जब उसको सफल होते हुए देखता हूँ। 7 तारीख को मैंने पद ग्रहण किया, उस दिन मैंने घोषणा की कि मैं सुपर 75 बनाऊंगा। मैं 75 दवा खाने सुपर 75 जब मैं बोल रहा था तो पत्रकार मेरे तरफ ऐसे देख रहे थे, कोई दूसरे लोग से तो प्राणी यहाँ नहीं आ गए, विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से मैं इस बात को मानता हूँ कि आपके संकल्प में अगर शुद्धता है तो ईश्वर आपके कदम से कदम मिला के कदम ताल करता है। रिया, आपको सुन करके खुशी होगी कि 15 जनवरी को मेरे कार्यालय में नागपुर शहर की सारी ट्यूशन चलाने वाले लोग आए, वो निवेदन लेकर के आए एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट की सारी ट्यूशन क्लासेस बंद है, इसको शुरू कराइए, अगर स्कूल चालू हो गया तो ट्यूशन क्लास क्यों नहीं चालू हो सकती। अब अंधा क्या मांगे दो आंख, मेरे सामने वो खड़े थे जो मेरे 75 बच्चों को दत्तक ले सकते थे। और मैं तो इस मत का हूँ, मैंने बताया मेरा परिवार का कारोबार जो है ये पौरोहित्य कर रहा है, इसलिए भिक्षा मांगना और शिक्षा देना ये ब्राह्मण का मूल कर्तव्य है, वो मैं मांगने में कभी पीछे नहीं हटता। मैंने उनसे तुरंत कहा आपके ट्यूशन क्लास तो मैं चालू कर दूंगा, लेकिन कुछ देना पड़ेगा। अब राजनीतिक मंच का महापौर देना पड़ेगा तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन आ गई। मैंने कहा भाई घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं जो मांग रहा हूँ वो सार्वजनिक तौर पर मांग रहा हूँ। पर मैंने उनको बताया कि मेरे मस्तिष्क में एक संकल्पना है कि नागपुर शहर के 75 बच्चे महानगर पालिका के 75 बच्चे, आनंद कुमार को बाहर बच्चे ढूंढने जाना पड़ता है, महानगर पालिका में तो गरीबी बच्चे पढ़ने आते हैं ना, मेरे का तो आते नहीं, इसलिए उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 8वीं क्लास के बच्चों की आप परीक्षा लो, इसमें से 75 बच्चे सिलेक्ट करो, फिर उनका IQ टेस्ट करो, इसमें कौन इंजीनियर के लायक है, कौन मेडिकल के लायक है और कौन किसका शरीर स्वस्थ अच्छा है और सेना में अधिकारी बन सकता है। 25 JEE के लिए, 25 मेडिकल फैकल्टी के लिए और 25 NDA के लिए ऐसे 75 बच्चों को तैयार करना है, करके आपकी इसमें मदद लगेगी। आपको सुनकर के खुशी होगी कि एक क्षण भी नहीं गए, उन्होंने स्वीकृति प्रदान करेगी। और उन्होंने कहा ट्यूशन चालू कर दो, मैंने हाँ कह दिया, महापौर को अधिकार नहीं है इसका, अधिकार नहीं है महापौर को ट्यूशन क्लास चालू करने का, कारण पेंडेमिक में सारे अधिकार निगम आयुक्त के पास से मिले। मैंने निगम आयुक्त जी को फोन किया कि भाई आप ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दीजिए, ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं करके, तो उन्होंने कहा कि कहीं कहीं भी शुरू नहीं है, महाराष्ट्र में शासन के निर्देश के बगैर मैं शुरू नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको जवाब दिया है कि सोमवार को शुरू कर दूंगा करके, उन्होंने कहा पहले मुझसे बात तो कर लेना था। मुझे लगा नहीं नहीं शुरू करना चाहिए, आप मदद कीजिए। शाम को 5:30 बजे पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने क्लास चालू करने की अनुमति दे दी उसे। मैंने मेरे आयुक्त को फोन किया, आयुक्त ने कहा कि सोमवार को हम भी कर देंगे। सोमवार को उन्हें बुलाया मैंने महानगर पालिका के हमारे एडिशनल कमिश्नर अतिरिक्त आयुक्त के साथ, शिक्षण अधिकारी के साथ एक MOU हुआ, उन्होंने हमारे 75 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। तारीख निश्चित हुई कि आने वाली 28 फरवरी को महानगर पालिका के 450 आठवीं क्लास के बच्चों की परीक्षा होगी, जिसमें से 75 का चयन होगा और मार्च के पहले हफ्ते से इन 75 बच्चों को वे लोग पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। इन्हें 8वीं से लेकर 12वीं तक की पूरी शिक्षा देंगे कि इनमें से 25 बच्चे JEE में जा सके, 25 बच्चे मेडिकल में जा सके, 25 बच्चे NDA में जा सके। और विशेष बात कि ये बच्चे को आवागमन में अड़चन नहीं होनी चाहिए,
इसलिए जिस परिसर में उसका निवास स्थान है उसके पास की जो सर्वश्रेष्ठ ट्यूशन क्लास होगी उसी क्लास में उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। मैंने पहले बताया मेरा स्वभाव तो मानना है, इतने पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ, कारण दक्षिणा के बाद ब्राह्मण बोलता है कि अब गोदान दे दो, अब सांगता दे दो। ब्राह्मण तो संतुष्ट लेने वाला नहीं था। हमने कहा ये तो आपने दे दिया और आपकी ट्यूशन क्लास हमने आज से चालू कर दी, अब आपकी एसोसिएशन की तरफ से एक बात चाहिए। उन्होंने कहा क्या बात चाहिए? मैंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से हम लोग महानगर पालिका के 100 बच्चों का चयन कर रहे हैं और उन्हें पढ़ा रहे हैं, और उन्हें जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई का हमको रिजल्ट भी मिल रहा है। महानगर पालिका के 10 से ज्यादा बच्चे 90% से ज्यादा अंक लेकर के प्राप्त हो रहे हैं। हमारे यहाँ कमल साहू नाम का एक बच्चा पिता रिक्शा चलाते हैं बगैर ट्यूशन के 96.77% तो ये प्रतिभा हमारे पास है, लेकिन हम इनको वातावरण नहीं ले सकते। टीचिंग टेक्निक जो होनी चाहिए वो हमारे शिक्षा क्वेश्चन निपुण नहीं है। वर्तमान दृष्टि से जिस प्रकार से उनको हमने परिष्कृत करना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। आप हमारे 100 बच्चों को पढ़ाओगे, वातावरण ऐसा बन गया था कि उन्होंने उसके लिए भी तुरंत हाँ कह दिया। मैं सौभाग्यशाली खुद को महसूस करता हूँ कि आज दोपहर 3 बजे वो 100 बच्चे भिड़े कन्या विद्यालय में थे और आज उनके पहली क्लास की शुरुआत ये एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने करी। ये 100 बच्चों का भी भविष्य संवारने के लिए इसके साथ साथ वो बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उससे बाहर निकाल करके उससे समाज के बीच में लाने के दृष्टि से 2 साइकोलॉजिस्ट हम लोग नियुक्त कर रहे हैं जो हमारे 75 बच्चों को और ये 100 बच्चों को ट्रीट करेंगे। ये बच्चे 75 नहीं है, ये 8वीं का बच्चा जिस दिन 12वीं में जाएगा उस दिन 450 बच्चे हो जाएंगे। इसका मतलब ये 450 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं और महानगर पालिका आने वाले 5 साल के बाद 75 ऐसे नागरिक देगी जो देश में उच्च शिक्षा विभूषित करके नागपुर महानगर पालिका का नाम रोशन करेंगे। और ये सब जनता से ही है, एक पैसा महानगर पालिका का नहीं। अच्छा, बगैर पैसा लगे जनता के सहयोग से नियोजन करना, यही करने का मैंने निर्णय लिया।